नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी बिहार की ताज़ा खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाढ़ प्रभावित और जलजमाव वाले क्षेत्रों का मुख्यमंत्री ने किया हवाई सर्वेक्षण। पटना लौटने पर बोले नीतीश, अधिकारियों की बुलाई गई है हाई लेवल मीटिंग। बिहार में अभी भी बाढ़ से कई जिलों की हालत खराब है। बाढ़ से बने हालत की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समीक्षा कर रहे हैं। आज सुबह सीएम ने वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और पूरी स्थिति की जानकारी ली। हवाई सर्वेक्षण के दौरान जल संसाधन मंत्री संजय झा भी उनके साथ थे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री पटना लौटे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आज अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। हवाई सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने यह देखा कि बीते दिनों हुई भारी बरसात के कारण फसलें बर्बाद हुई है, इससे प्रभावित लोगों की मदद की जाएगी। बारिश कम होते ही वे आज सुबह प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए निकले। एरियल सर्वे के दौरान उन्होंने वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष बाढ़ और बारिश से हुए जलजमाव के कारण 98,000 एकड़ में लगी फसल बर्बाद हुई है। इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जा चुकी है। बिहार के 36 शिक्षक जाएंगे जेल, फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी लेना पड़ा भारी, एफआईआर का आदेश। बिहार के सीवान जिले में छठे चरण की शिक्षक बहाली के दौरान चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। पहले राउंड के जांच में 36 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। ये सभी शिक्षक CTET और STET के फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे शिक्षक पद पर चयनित हुए थे। सेकेंड राउंड की जांच अभी चल रही है। फर्जी शिक्षकों पर FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। जिन शिक्षकों पर एक्शन लेने की बात कही गई है, इन्होंने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की थी। बताया जा रहा है कि नियोजन के दौरान अंदर प्रखंड में नियोजन इकाइयों द्वारा गड़बड़ी की गई है। इसमें अनिल कुमार राम, मुकेश कुमार मांझी, अनीस कुमार पंडित, सुनील कुमार शाह, साजल कुमारी, नीतू कुमारी दयानंद, श्री भगवान यादव, सौरभ उपाध्याय, प्रीति राय, सुदक्षिणी कुमारी, नम्रता कुमारी शामिल हैं। इन 12 शिक्षकों का नियोजन DEO मिथिलेश कुमार और DPO राजेंद्र सिंह ने जाँच के बाद निरस्त कर दिया है। बिहार के पटना में दशहरा में इस बार नहीं होगा इंडिया नाइट्स का आयोजन। रावण दहन पर भी रोक। अक्टूबर महीने की शुरुआत होते ही त्योहारों का सीजन भी शुरू हो गया है। 7 अक्टूबर से दशहरा भी शुरू हो रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई तरह की पाबंदियां भी लगाई है। दशहरा में श्रद्धालु इस बार पंडाल में माँ दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन तो कर सकेंगे, लेकिन मेला का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। पूजा समितियों को DJ बजाने पर रोक लगा दी गई है। रावण वध कार्यक्रम का आयोजन भी पटना जिले में नहीं होगा। पटना जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि DM ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से दशहरा मनाने की अपील की है। DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि ज्यादातर अधिकारियों का सुझाव था कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए दशहरा पर मेले के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि मेले में भी भीड़ हो जाती है। ऐसी स्थिति में संक्रमण बढ़ सकता है। दशहरा में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। अश्लील गाने बजाने पर भी प्रशासन ने रोक लगा दी गई है। ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए पूजा पंडालों में DJ नहीं बजाने को कहा गया है। पंडालों में लाउड स्पीकर तो बजेंगे, लेकिन अधिक डेसिबल वाले नहीं होंगे। इसके लिए पूजा समितियों को अनुमति लेनी होगी। दशहरा पर रावण वध एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। अधिकारियों का सुझाव था कि इस बार रावण वध कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि इसमें भी अधिक भीड़ होती है। कालिदास रंगालय में रावण वध कार्यक्रम छोटे पैमाने पर होगा, जिसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग होगी। इसके अलावा जिले में कहीं भी रावण वध कार्यक्रम नहीं होगा। प्रशासन ने आतिशबाजी पर भी रोक लगा दी है। बिहार में बम धमाके की बड़ी साजिश, पुलिस मुख्यालय ने किया अलर्ट, पुलिस को चौकन्ना रहने की चेतावनी। बिहार में त्योहारों के समय में पाकिस्तान की नापाक हरकत को लेकर अलर्ट घोषित किया गया है। सूबे के कई जिलों के SP और रेल पुलिस को चौकन्ना रहने की चेतावनी दी गई है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI के आतंकी बिहार को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। हमले की आशंका को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय से स्पेशल ब्रांच के DIG ने भागलपुर सहित
सभी जिलों को पत्र लिखकर सतर्क किया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि पाक की इस साजिश को विफल करने के लिए पुलिस अन्य एजेंसी से भी संपर्क और समन्वय स्थापित कर काम करे। पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI त्योहारों के समय में भारत के प्लास्टिक लॉन्च बॉक्स के आकार में IED से विस्फोट कराने की साजिश रच रहा है। बंगला खाली नहीं कर रहे हैं पटना हाईकोर्ट के 4 रिटायर्ड जज, उच्च न्यायालय में याचिका दायर। पटना हाईकोर्ट के 4 रिटायर्ड जज सरकारी बंगला खाली नहीं कर रहे हैं, इसे लेकर पटना उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता ने जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका के जरिए सरकारी बंगला में समय से अधिक रहने के एवज में किराया, बिजली बिल और पानी का बिल समेत अन्य चार्जों को भी देने का आदेश देने को आग्रह किया गया है। पटना हाईकोर्ट में दायर PIL को लेकर मंगलवार को सुनवाई हुई। अधिवक्ता दिनेश सिंह द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ से राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा है। इस मामले की सुनवाई छठ पूजा के बाद होगी। पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक रिटायर्ड जस्टिस दिनेश कुमार सिंह, जस्टिस अंजना मिश्रा, जस्टिस प्रकाश चंद्र जायसवाल और जस्टिस आदित्य कुमार त्रिवेदी ने सेवानिवृत्त के बाद भी सरकारी बंगला खाली नहीं किया है। इसे लेकर अधिवक्ता दिनेश सिंह जल्दी बंगला खाली करवाने के लिए कोर्ट से आदेश देने का आग्रह किया है। बिहार पंचायत चुनाव में खपाने के लिए झारखंड से मंगाई गई एक ट्रक शराब जब्त। पटना मद निषेध विभाग व सदर पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार को मुजफ्फरपुर जिले के नारायणपुर गुमटी के समीप शराब लदी ट्रक जब्त किया है। पुलिस को चकमा देने के लिए धंधेबाजों ने शराब के ऊपर सूजी का बोरा रखा हुआ था। जब्त शराब की कीमत करीब 20 लाख से अधिक की आंकी जा रही है। पुलिस की जांच में शराब की खेप को पंचायत चुनाव में खपाने के लिए मंगवाई गई थी। पुलिस की टीम ने ट्रक के चालक व खलासी को भी गिरफ्तार किया है। जब्त ट्रक पर मुजफ्फरपुर का नंबर चढ़ा है। पुलिस को आशंका है कि शराब कारोबारी स्थानीय है। ट्रक पर लदे शराब की देर रात तक गिनती की जा रही थी। पुलिस ने चालक व खलासी से पूछताछ की। दोनों पुलिस को बताया गया है कि झारखंड से शराब की खेप लाई गई है, जिसे बोला इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाना था, लेकिन इससे पूर्व ट्रक पकड़ी गई। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि शराब किस धंधेबाज ने मंगाई है। अब नए नाम से जानी जाएगी चिराग और पारस की पार्टी। हेलीकॉप्टर और सिलाई मशीन मिले चुनाव चिन्ह। भाजपा के चुनाव चिन्ह बंगला को निर्वाचन आयोग ने जब्त करने के बाद अब दोनों खेमों को नया चुनाव चिन्ह दे दिया है। चिराग पासवान और पशुपति पारस की पार्टी का नाम भी अब अलग अलग तय हो गया है। चुनाव आयोग ने चिराग और पशुपति पारस की पार्टी को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया है। चिराग पासवान की पार्टी अब लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से जानी जाएगी। उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी अब हेलीकॉप्टर होगा। वहीं पशुपति पारस की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी होगा। उनको सिलाई मशीन का चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग ने दिया है। लोजपा में चिराग और पारस गुट बनने के बाद पार्टी पर वर्चस्व का मामला तेज हो रहा था। दोनों खेमों के अपने अपने दावे थे और दोनों लोजपा पर अपना अधिकार जमा रहे थे। इसी बीच बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई, जिसके बाद यह मामला और तूल पकड़ने लगा था। लोजपा पर किसका अधिकार है, इसी बीच चुनाव आयोग ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए लोजपा के नाम और निशान को जब्त कर लिया था। राहुल गांधी की टीम में शामिल होंगे बिहार के पप्पू यादव। जाप का होगा कांग्रेस में विलय। कांग्रेस ने बिहार में अपनी जमीन को वापस पाने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। कन्हैया कुमार के बाद अब कांग्रेस में पप्पू यादव की एंट्री होने जा रही है। खबर के अनुसार पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। वैसे इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोनों दलों की ओर से जो बयान आ रहे हैं उससे घोषणा की मात्र अब औपचारिक ही रह गई है। कन्हैया कुमार के बाद पप्पू यादव का कांग्रेस में आना बिहार की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस में है और वह कांग्रेस की सांसद भी रह चुकी है, लेकिन राजद के कारण गठबंधन में पप्पू की एंट्री नहीं हो पाई थी। उपचुनाव में कांग्रेस और राजद में उभरे मतभेद के बाद पप्पू का कांग्रेस के करीब आना स्वाभाविक है। फिलहाल नहीं सुधरेगा मौसम। 7 अक्टूबर तक बिहार के ज्यादातर इलाकों में बारिश। बिहार में मौसम का मिजाज फिलहाल सुधरने वाला नहीं है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है अब उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग ने पहले 3 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया था, बाद में इसे 4 अक्टूबर तक बढ़ाया गया और अब 7 अक्टूबर तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जो नई जानकारी साझा की है उसके मुताबिक 7 अक्टूबर तक बिहार के अधिकांश हिस्से में
बारिश के आसार हैं। बिहार में पश्चिम से निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र मध्य की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसके साथ ही ट्रफ रेखा उत्तर बिहार से दक्षिण होते हुए झारखंड उड़ीसा तक जा रही है। इसके प्रभाव से बिहार के अधिकांश हिस्से में हल्की से लेकर भारी बारिश तक के आसार हैं। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी, कुछ स्थानों पर वज्रपात की आशंका भी है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है, जो झारखंड होते हुए बिहार उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। 3 दिनों के दौरान बिहार में निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्व से पश्चिम की तरफ तो रविवार को बिहार के मध्य हिस्से से शिफ्ट हो रहा है। ऊंचाई अधिक होने से इसकी तीव्रता बिहार के विभिन्न हिस्से में अलग अलग हो रही है। इसकी वजह से कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हो रही है। कोरोना से मौत हुई तो पहले से ज्यादा मुआवजा मिलेगा, नीतीश बोले, मदद नहीं मिली तो कंप्लेन करिए। कोरोना महामारी से हुई मौतों के मामले में अब राज्य के अंदर पीड़ित परिवारों को पहले से ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी। दरअसल राज्य सरकार कोरोना वायरस के मामले में परिजनों को पहले ही 4 लाख की आर्थिक मदद दे रही है। अब केंद्र सरकार भी 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। ऐसे में अगर किसी परिवार में कोरोना वायरस से किसी सदस्य की मौत हुई है तो पीड़ित परिवार को 4.5 लाख राशि की मदद मिलेगी। बीते सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार कार्यक्रम के बाद स्पष्ट तौर पर कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक मदद पीड़ित परिवारों को हर हाल में मिलेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने सबसे पहले कोरोना वायरस के मामले में प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद देने का फैसला किया था। जब देश में किसी राज्य के अंदर इस तरह की आर्थिक मदद नहीं दी जा रही थी तो बिहार सरकार 4 लाख की आर्थिक मदद देने की शुरुआत कर चुकी थी। बाद में केंद्र सरकार ने 50,000 आर्थिक मदद का ऐलान किया। अब दोनों राशियों को पीड़ित परिवारों के बीच मुहैया कराया जाएगा। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।